हेलो एवरी वन वेलकम टू वी साइंस अकेडमी सो टूडे वी आर गोइंग टू लर्न द टर्म चेन आइसोमेरिज्म इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ओके सो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं सो सी हियर टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉमूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन ओके सो यहाँ पर क्या होगा दो कंपाउंड होंगे या दो से ज्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा ओके बट मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे वो कैसे होंगे डिफरेंट होंगे ओके सो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल ओके यहाँ पर हमने दो कंपाउंड लिए हैं फर्स्ट कंपाउंड इज एन ए ब्यूटे दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन ओके एंड सेकेंड इज टू मिथाइल प्रोटेन ओके सो अगर आप दोनों कंपाउंड में देखते हो तो मोलिकुलर फॉमुला सेम है ठीक है देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं पहले कंपाउंड में वन टू थ्री फोर यहाँ पर है फोर कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं थ्री टू फाइव टू सेवन थ्री टेन हाइड्रोजन है टेन ओके वेयर एस अगर आप सेकेंड कंपाउंड में देखते हो तो कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फोर कार्बन इज देर एंड हाउ मनी हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं थ्री 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 नाइन वन टेन ओके टेन हाइड्रोजन है मतलब दोनों कंपाउंड में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ओके okay, बट डिफरेंट क्या रहेगा मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कैसे रहेंगे डिफरेंट रहेंगे ओके okay, सो so यहाँ पर देखिए ये है मेन चेन ओके कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर यहाँ पर है फोर कार्बन ओके यहाँ पर मेन चेन कौन सी है ये है मेन चेन ओके सो यहाँ पर कितने कार्बन है मेन चेन में वन टू थ्री यहाँ पर है थ्री कार्बन ओके सो यहाँ पर हमने क्या देखा हमने दो कंपाउंड लिए हैं दोनों कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ओके okay, बट जो मेन चेन है उस मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं डिफरेंट हैं ओके सो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म